नजर इस खास खबर। तेलवा पंचायत के पूर्व मुखिया सीताराम यादव ने कहा है कि जिन परिवारों को बाढ़ राहत सामग्री व सहायता राशि नहीं मिली है, उनके लिए सुपौल प्रखंड की BDO ज्योति रानी एवं CO साहब से निवेदन किया है कि ऐसे परिवारों को जल्द राशि दी जाए। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की एक रिपोर्ट। बताते चले कि 28 सितंबर 2024 को नेपाल सरकार द्वारा 6,81,000 क्यूसेक पानी छोड़ने से बिहार के 18 जिला बाढ़ प्रभावित हुए, उनमें लगभग 16,00,000 लोग प्रभावित हुए। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में आ गए और उन्होंने सभी बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए 7,000 रुपए की सहायता राशि की घोषणा की। पहले पेज में 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4,61,000 लोगों के खाते में 7,000 रुपए डाले थे। उसके बाद 11 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री ने 3,21,000 लोगों के खाते में 7,000 की राशि यानी कम से कम 225 करोड़ रुपए की राशि डाल दिए हैं। तो चलिए इसी पूरी जानकारी पर हम आपको सीधे ले चलते हैं कि सुपौल जिला के अंतर्गत थाना एवं प्रखंड सुपौल के तेलवा पंचायत के पूर्व मुखिया जी सीताराम यादव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस पर चर्चा करने के लिए। तो आइए उनसे खास बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जी, ये जो 28 को जो बाढ़ आई थी नेपाल से, जी, उसमें मेरे गांव में ऐसा कोई भी घर नहीं बचा जहां 2 फीट 3 फीट से पानी नहीं घुसा। जितना लोगों का अन्न दाना पानी था, कोठी में, भंडी में, बोरा में, जहां रखा हुआ था, सारा का सारा सर पट करके भस गया। समझा गया सर? मैं उसके बाद ये रहा बात राहत का, जो 7,000 रुपया की बात, हाँ 7,000 रुपया की जो 11 को डाला गया है, उस पर जो है सो बहुत सारे आदमी छूट गए हैं। जी। इसका फरियाद हमने कल अंचल कार्यालय गए जी, तो वहाँ के CO साहब उस वक्त में नहीं थे। हम बड़ा बाबू से वार्ता किए, बड़ा बाबू का कहना हुआ कि शायद अभी बंद सरकार के द्वारा कर दिया गया है। मुखिया जी, हम कहे शायद जब बंद कर दिया गया है तो क्या कोई उम्मीद है छूटे हुए आदमियों को पीतों के लिए? अभी बात नहीं बता सकते, सरकार की मामला है, शायद जब खोलेगा और जैसा आदेश होगा वैसा हम लोग करेंगे। सीताराम बात मिला, उसके बाद अभी फिलहाल चूरा पोलोथीन बट रहा है, उसके बाद इसमें हम कुछ आदमी 10-20-25-50 आदमी आया कि भाई हमको नहीं मिला मुखिया जी। हमने कहा एक सूची तैयार कर दे, सब आदमी नाम लिखाइए, नाम लिखाया जा रहा है, उसके बाद सूची को मुखिया जी के पास भेजवाते हैं, वो आदमी को भी 2 आदमी से भेजवाते हैं कि भाई आप हमको दे रहे हैं सामान या नहीं दे रहे हैं। सर मैं अगर मान लिया कि हाँ दे देंगे तो आप लोग जाकर के फोन कीजिए और सारे आदमी जाकर ले लीजिए। सर मैं जानना अभी चल रहा है, सर मैं जानना बाद में जो पहले का सूची था, सर एक मिनट, उसी के अनुरूप कहा जाता है, मैं जानना चाहूंगा खाते में डाला गया है। आपका करेक्शन था, उसको कहा कि DM साहब पेंडिंग में रख लिए हैं। उसके बाद नया जो आदमी जाना हुआ उसका जो नाम गया, वो कितना आदमी का नाम अद्यतन पोर्टल पर डाला गया है। सर मैं जानना चाहूंगा आपके पंचायत की कितनी जनसंख्या है, उसका कोई उपलब्ध नहीं हो पाएगा। सर मैं जानना चाहूंगा आपके पंचायत की कितनी जनसंख्या है? जनसंख्या 12-14 हजार है। यानी आपके तेलवा पंचायत में 12-14 हजार यानी वोटर्स है? जनसंख्या, हाँ वही जनसंख्या वोटर। सर आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं? 13 वार्ड है, 8,000 मतदाता है। अच्छा 8,000 मतदाता है, यानी जो वोटर वोट डालने वाले हैं। जी जी, वोट डालने वाले। सर हमारी टीम से जो है, मैंने कई जनता हम बात किए हैं कि भाई पूर्व मुखिया जी जो है, मैंने 2016 से लेकर 21 तक पूर्व मुखिया रहे सीताराम यादव जी, लेकिन उस समय हम लोग को 6,000 रुपये मिलता था कुछ का लिस्ट में, उस समय भी नाम करता और वर्तमान में भी यही स्थिति है सर। हेलो
जी जी सर, आम जनता का राय है कि पूर्व में भी हम लोग को नाम कता था जो अभी तक नहीं जुड़ा है, इस पर जनता को क्या कहेंगे सर? हाँ, इस पर तो हमारा कहना है कि हम सीओ साहब से मिलना चाह रहे हैं, डीओ साहब से भी, एडिशनल कलेक्टर साहब से भी, कि आप जैसे कि भाई आपको जो छूट गया है मेरे यहाँ, मेरा निवेदन है उन लोगों का भी कोई व्यवस्था कर दिया जाए, क्योंकि वो भी आदमी पीड़ित है और उसके साथ जो पीड़ित था उनको तो मिल ही गया लाभ, लेकिन जो ये छूट रहा है उनको भी मुहैया किया जाए, यह हमारा निवेदन है। सर, वार्ड नंबर 10 की जनता में त्राही त्राही मान हो रही है कि भाई हम लोग को कुछ भी नहीं मिला है अभी तक, न राहत सामग्री न सहायता राशि। न मिला, पूरा पॉलिथीन मिला है, ऐसी बात है कि कुछ नहीं मिला, रुपया भी कुछ आदमी के खाते में गया है और कुछ एक आदमी उपेक्षित भी हो गया, वंचित भी हो गया है। सर, उसके बाद जो है हमारी टीम जो है 28 तारीख से लेके आज तक, यानी तेलबा पंचायत के हर एक जगह मुआयना किया, तो यानी बहुत कमियां नजर आई है कि वर्तमान मुखिया उपेंद्र जी जो है सही से घटनास्थल पे नहीं जाते हैं या राहत सामग्री या सहायता राशि नहीं वितरण कर रहे हैं, ये जनता का आरोप है सर? नहीं, ऐसी बात नहीं, हमारा निकटतम है वो मुखिया है, हम निकटतम उनके हुए, वो भी प्रयासरत है, लेकिन कार्यालय में कुछ ऐसा विसंगति हो जाता है कि अब ये जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता है, जो बात सच्चाई है ये सदियों से होता आ रहा है, आज की ही बात नहीं है सर। सर, हमारे संवाद सूत्र से पता चला है कि वर्तमान मुखिया उपेंद्र नारायण जी कुछ लोगों को नहीं दिए हैं, वो फरियाद सब आपके पास आए हैं, ये बात सही है या गलत है? हाँ हाँ, कुछ लोगों को नहीं मिला है, वो आया है तो हम उसका सूची तैयार करवा रहे हैं और उनको भेजेंगे मुखिया जी के पास, जो भाई आप इनको दे दीजिए सामान, अगर नहीं दिया तो क्या बोलता है, इन लोगों को कहा कि वो बात हमें बताना, उसके बाद हम ले जाएंगे अंचल अधिकारी के पास, ले जाएंगे प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास, उसके बाद ले चलेंगे जिला पदाधिकारी के पास, ले चलेंगे तुम लोगों को। सर, मुखिया जी के निकट से हो आओ कि उनका क्या कहना है, देता है या नहीं देता है चूड़ा या पुरुखी। सर, आपके वीडियो साहिबा ज्योति रानी का निर्देश है कि हमने मैराथन बैठक करके सभी पंचायत के सभी वार्ड सदस्य एवं वार्ड सचिवों को आग्रह किया था कि भाई अपना अपना लिस्ट जारी करें, फिर हम 7,000 का पेमेंट करेंगे, लेकिन कुछ वार्ड सदस्य एवं सचिवों द्वारा जो है लिस्ट अभी तक भी जारी नहीं किया गया। कौन सी? जैसे वीडियो साहिबा ज्योति रानी का निर्देश था 4 तारीख को मेरा बैठक किए थे, भाई जितने भी वार्ड सदस्य हैं अपने अपने वार्डों की सूची तैयार करके दे, तभी तो हम उसको खाते में पैसे डालेंगे। जी जी, लेकिन इस पर कुछ सूची गया है, कुछ अभी भी बाकी है। हाँ, तो छूटा हुआ तो है ही, वही आदमी सब परेशान है, दर दर का ठोकर खा रहा है, जो वंचित उपेक्षित हो गया है। सर, मैं जानना चाहूंगा वार्ड नंबर 10 में बिजली की समस्या बहुत हो रही है, आप लोग जो उस समय मुखिया थे तो बिजली विभाग से इस पर थोड़ा जोर दिया करते थे? वार्ड नंबर 10 ही नहीं महोदय, एक नंबर से लेकर के वार्ड नंबर 10 तक भयंकर पीक है, भयंकर से भयंकर जितना कह दीजिए वह बहुत छोटा पड़ जाएगा, ऐसा कोई भी घर नहीं एक नंबर वार्ड से 10 नंबर वार्डों के बीच में जहाँ 3 फीट 4 फीट 8 फीट पानी नहीं लगा हो, ऐसा कोई भी घर नहीं बचा। सर, पंचायत की जनता, कुछ लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग खिंचाई कर रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मुखिया जी हमको बहुत दिए, तो कुछ लोग बोल रहे हैं मुखिया जी हमको नाराज किए हैं अभी तक। अच्छा, ऐसा होता है, आरोप प्रत्यारोप तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। सर, 2026 में आम पंचायत चुनाव आने वाला है, किस तरह की तैयारी अभी फिलहाल चल रही है? तैयारी तो यही सब तैयारी चल रहा है, इसमें जो हम लोग चल भर के भाग लेंगे तो वो जो उपेक्षित है उसको यदि मिल जा रहा है तो वो हमारा अनिवार्य हो जाएगा। सर, वार्ड नंबर 10 की कई महिला ने बात की है कि हम लोग को जो है 8 सालों से ये लाभ सामग्री एवं लाभ सहायता राशि नहीं मिला है, इस पर क्या किया जाए? 8 साल से? जी हाँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, 17-18 से जब पैगाम चला है 6,000 वाला सिस्टम। जी सर।
तो उस समय भी मिला था, लेकिन कुछ आदमी वंचित हो गया था। उसके लिए पहल किए अंचल अधिकारी के पास, डीएम के पास, सरकार में भी पहल किए, तो नहीं चला हमारा। वहां जाकर के तेजस्वी जी उसमें उप मुख्यमंत्री थे, वहां भी जाकर पहल किए, लेकिन कुछ चलने वाला नहीं हुआ। अंत में हर थक थक करके बैठ गए हम लोग। सर साल में हर बार बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, इस बाढ़ को रोकथाम के लिए जिला सुपौल द्वारा कुछ इसका व्यवस्था नहीं किया जा रहा? और पानी का क्या रोकथाम करेगा, किसी के बूते का चीज नहीं है सर। कोसी जब डिस्चार्ज होता है बैरेज के, जी जी जी, किसी के बूते की बात नहीं। ऐसा दोषारोपण आरोप प्रत्यारोप करना अलग चीज है, लेकिन किसी के बूते का बात नहीं था। कोई आज उसको हाईजैक कर लेता कोसी को, ये सवाल पैदा नहीं होता। सर एक सवाल और है, यानी तेलवा पंचायत के अंतर्गत कितने हजार लोगों को बाढ़ राहत सामग्री दिया गया एवं सहायता राशि दिया गया है? कितना आदमी को? जी सर। हाँ, वो फिगर लेने के लिए कल हम अंचल अधिकारी के पास गए थे, और कार्यालय में जो हम पूछे बड़ा बाबू से कि हमको फिगर दीजिए कितना आदमी को मिला और कितना को नहीं मिला अप्रूव सूची में, जो नया आदमी का नाम कहाँ गया और जो करेक्शन वाला था वो कहाँ गया, तो कहा जो अभी सब साइट बंद है, अभी कुछ नहीं मुखिया जी मिलेगा, साइट खुलेगा सब कोई बात होगा। चलिए सर इतना बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक मिनट, हम उनसे पूछे तो व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ साइट, क्या डिफिनेशन होता है, क्या परिभाषा होता है बताइए, वो अवाक हो गए, नहीं बात तो हम नहीं कह सकते हैं। बात हमारा ये कहना है कि भाई आप साइट कहते हैं, सरकार बंद कर दिया, वह क्यों सरकार बंद कर दिया, क्या कारण है कि सरकार बंद कर दिया? एक तरफ कहते हैं कि आपदा के लिए हम तिजोरी खोले हुए हैं, कुंजी हटा लिए है, ताला भी हटा लिया है, दूसरा तरफ ये साइट बंद कर देते हैं, ये पोर्टल पर अधिकतम नहीं हो पाता है, तो कैसे कल्याण होगा जनताओं का? सर वर्तमान मुखिया जी मीडिया से बात करने के लिए पीछे हट रहे हैं। काहे? इसलिए कि आम जनता में त्राहिमान है भाई, हम लोग को कुछ मिला है कुछ नहीं मिला है, तो हमारी टीम लगातार उनसे संपर्क साध रहे, लेकिन बात करने से पीछे हट रहे कि हम बात नहीं कर सकते। त्राहिमान तो है पंचायत, ऐसा कोई बात नहीं, झूठी बात नहीं है, 100% सही बात है कि त्राहिमाम नहीं महात्राहिमाम है। सरकार जो भी कह ले, कोई जो भी दे दे, लेकिन बहुत कम पड़ जाएगा, बहुत छोटा पड़ जाएगा। सर जनता जब वोट देकर आपको प्रतिनिधि चुनते हैं, आपका फर्ज होता है कि जनता के लिए कुछ काम करे, और उसके साथ ही सरकार को भी हम काम का विवरण बताने का प्रयास करें। तो उनसे कॉन्टेक्ट किया जाएगा, बात किया जाएगा उनसे वर्तमान मुखिया जी से? सर हमारी टीम आज लगातार 15-16 दिन से लगातार उनको फोन मिला रहे हैं, उसके असिस्टेंट मिला रहे हैं, लेकिन बात करने से पीछे हट रहे। अभी तक कितनी हजार लोगों को बाढ़ राहत सामग्री और राहत पैसा दिया गया, ये कोई डिटेल नहीं आ रहा सर। अब बताइए वर्तमान मुखिया जी हैं, तब उनको डिटेल्स नहीं है तो कैसे पता चलेगा, कैसे काम होगा सर? नहीं बताइए सर, आप पूर्व मुखिया हैं, पूर्व में इस पंचायत के लिए बहुत सारा काम किए, उसका एक एक लेखा जोखा आपके पास है, लेकिन वर्तमान में जो मुखिया जी हैं उनके पास कुछ भी नहीं है, तो जनता उनके ऊपर कैसे विश्वास करेंगे, 2026 का चुनाव कैसे जिताएंगे? नहीं तो पहले मुखिया जी को सरकार का बहुत बड़ा कॉपरेशन था। जी सर। तो उस कॉपरेशन के नीचे होकर के अपना बात बनाते गए, करते गए, निकलते गए, उनको कोई परेशानी इसीलिए बात नहीं बताया होगा, बात बहुत है। सर हमारे समाज सूत्र ये भी पता चला है कि वर्तमान मुखिया जी वर्तमान सचिव जी के दबाव में वार्ड नंबर 10 से लेकर कई वार्ड सदस्य काम कर रहे हैं, ये बात सही है गलत है? वार्ड सदस्य काम कर रहा है जी, मुखिया जी और वार्ड सचिव के दबाव में। मैं जवाब दबाव का बात नहीं है सर, मान लीजिए अगर वार्ड जी अपने मन से च्वाइस जहाँ बना होता है उनका वहाँ काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जवाब कहीं नहीं है। चलिए सर इतना बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है प्रणाम। उन मुख्य वर्तमान से भी पूछा जाए,
जी सर, हमारी टीम जो है प्रयास जारी कर रहा है कि वर्तमान से भी कई सवाल है, हजारों सवाल है। हाँ, वर्तमान से पूछा जाए कि आपका पंचायत बैलेंस है कि क्या है। सर, वर्तमान मुखिया जी मीडिया के डर से भाग रहे हैं, लेकिन आम जनता में त्राहीमान है कि भाई हम लोग को नाम जो है पंचायत के मुखिया और वार्ड सचिव द्वारा काट दिया गया है। आज जो हम सूची लेकर भेजवा रहे हैं तो कल आप इसी समय में फिर बात हमसे कीजिएगा कि क्या हुआ, दिया उन लोगों को कि नहीं दिया।